हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस। आज के सेशन में हम एलिमिनेशन सीरीज में एक और एलिमिनेशन रिएक्शन को स्टडी करेंगे, दैट इज इवन एलिमिनेशन रिएक्शन। इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में एक कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हम इसको अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। सो सपोज हमारे पास में ये कोई क्वेश्चन है, CH3CHX CH3, दिस इज अल्काइल हैलाइड। इसको जब हमने यहाँ पे X की जगह पे क्या हो सकता है, OH- मतलब अल्कोहल भी ले सकते हैं हम और अल्काइल हैलाइड भी ले सकते हैं। सो ये जो कंपाउंड है इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज द रिलीज ऑफ द हैलाइड ग्रुप और द OH ग्रुप एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोकेटायन। नाउ यहाँ से जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या पॉसिबिलिटीज है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि अगर जो कार्बोकेटायन बना है वो मोर स्टेबल नहीं है और उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी है, मतलब रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी है, तो हम रीअरेंजमेंट कैरी आउट कराएंगे। और अगर यहाँ से रीअरेंजमेंट नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, इसको अगर वीक बेस के साथ में हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर, सो यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा एंड दिस वन विल बी द प्रोडक्ट। बट देर इज वन पॉसिबिलिटी मोर, दैट इज कि अगर हमने कोई न्यूक्लियोफाइल यूज किया, सो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहां पे अटैक करेगा कार्बोकेटायन पे एंड देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। सो हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड गिवन है और उसके अंदर हमने कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन की है, सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट के बाद में हम उसके एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन कैरी आउट कराएंगे। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि अगर वीक बेस के साथ हमने हाई टेम्परेचर पे अगर यूज किया है तो वहां पे एलिमिनेशन होगा एंड दैट एलिमिनेशन इज इवन एलिमिनेशन। थर्ड पॉसिबिलिटी इज कि हम कोई न्यूक्लियोफाइल के साथ में कार्बोकेटायन को ट्रीट करेंगे एंड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ SN1 रिएक्शन। सो जो E1 और SN1 रिएक्शन है वो पैरेलल पैरेलल चलती है, हम इनके अकॉर्डिंग, इनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि कौन सा रिएजेंट है वो SN1 देगा और कौन है वो E1 देगा। ना यहाँ पे एक जो बेसिक जो हमने डिफरेंस देखा वो क्या देखा है कि अगर लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर लो है तो वहां पे कौन सी रिएक्शन होगी, SN1 होगी, और अगर टेम्परेचर हाई है सो वहां पे कौन सी रिएक्शन होगी, E1 रिएक्शन होगी। SN1 रिएक्शन है वो लो टेम्परेचर पे क्यों होती है, क्योंकि जो SN1 रिएक्शन है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से वो लो टेम्परेचर पे इजिली प्रोसीड कर जाती है, जबकि जो E1 रिएक्शन है वो क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। सो एंडोथर्मिक होने की वजह से वो हाई टेम्परेचर पे इजीली प्रोसीड करते हैं। ना अभी स्टेप बाय स्टेप कुछ पॉइंट्स हैं इवन एलिमिनेशन के, वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ना फर्स्ट पॉइंट इज, अभी तक हमने क्या देखा, इंटरमीडिएट क्या बना था, कार्बोकेटायन, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, और वो जो कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन की जो स्टेप होगी दैट विल बी द स्लो स्टेप, और वी कैन से दैट दैट विल बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है, स्टेबल कार्बोकेटायन जितना होगा इवन एलिमिनेशन उतनी ही प्रीफर होगी। जैसे हम लोग अभी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमने क्या देखा था, 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। सो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि जितना मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा इवन एलिमिनेशन होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही मोर होगी। अगर कार्बोकेटायन बनता है तो एक पॉसिबिलिटी और है, दैट इज रीअरेंजमेंट। सो अगर रीअरेंजमेंट होगी तो हम रीअरेंजमेंट को कैरी आउट करेंगे। अगर हमारे पास जो प्रीवियस कार्बोकेटायन बना है दैट इज लेस स्टेबल, और जो बाद में हम थोड़ा रीअरेंजमेंट करके मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकते हैं,
सो हम क्या करेंगे, पहले मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे, देन उसका सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन कैरी आउट करेंगे. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, जो कार्बोकेटाइन बना था उसमें भी हमने दो रिएक्शंस कराई थी, कौन कौन सी, एक थी SN1 एंड सेकेंड वन वॉज E1. सो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि अगर लो टेम्परेचर होगा तो SN1 होगा और अगर हाई टेम्परेचर होगा सो SN2 होगा. अब लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर को कैसे डिटेक्ट करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली अगर टेम्परेचर लेस देन 20 डिग्री गिवन है, लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस, ये एक रफ आइडिया है. सो लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस होगा तो हम क्या करेंगे, SN1 को प्रिफर करेंगे, और अगर ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस है सो हम E1 रिएक्शन को प्रोसीड करें. अब जो E1 रिएक्शन है इसको हम E1 क्यों बोलते हैं, मतलब ये जो वन जो नंबर है वो किस चीज को डिनोट करता है, दिस डिनोट्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. जो E1 रिएक्शन है उसका रेट है दैट विल बी इक्वल टू के इंटू सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट हमारा एल्काइल हैलाइड था या हैलोजन था, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये बेस के ऊपर या न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. सो जो E1 रिएक्शन है उसके अंदर जो रेट है दैट डिपेंड्स ऑन द सबस्ट्रेट, सो द ऑर्डर विल बी वन. तो ऑर्डर वन होने की वजह से हम इसको E1 रिएक्शन बोलते हैं. सपोज अगर सबस्ट्रेट है इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हमने डबल कर दिया तो रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. अगर कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल किया है सो रेट विल बी ट्रिपल. बट अगर हमने बेस की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया है सो रेट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. सो रेट ऑफ रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इन E1 रिएक्शन. अगर E2 रिएक्शन हमने पहले देखा है, E2 रिएक्शन में यहीं पर बेस की कॉन्सेंट्रेशन मैटर करती है, लेकिन जब E1 रिएक्शन होती है वहां पे बेस की कॉन्सेंट्रेशन मैटर नहीं करती है. नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो बेस है दैट मस्ट बी वीक. सो इस रिएक्शन को, E1 रिएक्शन को कैरी आउट कराने के लिए हम वीक बेस को यूज करेंगे. अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस को यूज करेंगे सो वहां पे क्या पॉसिबिलिटी होगी कि जो कार्बोकेटाइन बना था वो क्या करेगा, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग बेस खुद अटैक कर देगा. सो आगे एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी. सो वीक बेस में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, CH3OH, इथेनॉल एंड वाटर. सो स्ट्रॉन्ग बेस है उसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग बेस को यूज करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस है दैट विल अटैक ऑन द कार्बोकेटाइन एंड देयर विल बी नो एलिमिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज कि जो सॉल्वेंट है वो कैसा होना चाहिए. सो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है कि सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, पॉलर और प्रोटिक होना चाहिए. पॉलर सॉल्वेंट का मतलब क्या है, पॉलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही क्यों यूज किया है, इसका रीजन है कि जो भी पॉलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं उनका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत हाई होता है. डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हाई है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि वो जो सॉल्वेंट है उसकी टेंडेंसी है कि वो जो बॉन्ड है उसको इजीली ब्रेक कर दे, जो चार्ज सेपरेशन है उसको इजीली ब्रेक कर दे. जैसे हमारे पास में जो हमने क्वेश्चन लिया था उसमें ये क्वेश्चन था. अब फर्स्ट स्टेप क्या थी कि यहाँ से ये जो था दिस वन इज, अगर यहाँ पे कोई भी हैलोजन है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, कार्बन से, तो दिस वन विल बी डेल्टा नेगेटिव एंड दिस वन विल बी डेल्टा पॉजिटिव. तो जो पॉजिटिव नेगेटिव जो पोल बने हुए हैं, अगर हम कोई पॉलर सॉल्वेंट लेंगे तो वो यहाँ से इनको, इस बॉन्ड को, कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड को जल्दी वीक करेगा, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत ज्यादा होता है. तो यहां से जो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, इसीलिए हमने पॉलर सॉल्वेंट यूज किया. नेक्स्ट इज प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों यूज किया है, उसका रीजन ये है कि जो भी हमारा ये लिविंग ग्रुप है जो रिलीज हुआ है, एक्स नेगेटिव जो रिलीज हुआ है, इसको जो प्रोटिक सॉल्वेंट है वो क्या करेगा, सराउंड करेगा. जैसे वाटर है तो वाटर इसको सराउंड करेगा और इसको यहां से जाने नहीं देगा, अदरवाइज अगर ये रिलीज हो गया तो यही अटैक कर देगा. सो इसी वजह से हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन नेगेटिव. सो इन सब रीजंस की वजह से हम क्या एनालाइज करते हैं कि जो सॉल्वेंट होना चाहिए दैट मस्ट बी पॉलर प्रोटिक.
नेक्स्ट इज लिविंग ग्रुप, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी ही रिएक्शन फास्ट होगी, उतनी ही रिएक्शन है वो मोर प्रोसीड करेगी. सो लिविंग ग्रुप विल बी, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवन रिएक्शन. अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ब्रोमाइड है, आयोडाइड एंड क्लोराइड. सो इसमें सबसे पहले कार्बोकैटायन किसमें बनेगा, जिसमें लिविंग ग्रुप अच्छा होगा. लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है आयोडाइड, फॉलोड बाय ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड. सो लिविंग ग्रुप है वो भी हमें चेक करना है, जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा रेट ऑफ इवन रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी. अब जो इवन रिएक्शंस में हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उन्हीं के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज, ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया है, दिस वन इज 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड. इसको हमने ट्रीट किया है इथेनॉल के साथ में, सी एच थ्री ओ एच एट 60 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे क्या बनेगा, सी एच थ्री सी डबल बोन्ड सी एच टू एंड सी एच थ्री. सो इसका मैकेनिज्म क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या होगी, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो आर डी एस है और जो स्लो स्टेप है दैट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. यहाँ से ये बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा एंड देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे, यहाँ पे और क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है कार्बोकैटायन की, दिस वन इज अल्फा कार्बन, दिस वन इज अल्फा कार्बन, दिस वन इज ऑल्सो अल्फा कार्बन, सो देर विल बी 9 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब 9 हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स है. ये कार्बोकैटायन काफी स्टेबल है और रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटीज भी नहीं है. सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन है ये रिलीज करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा एंड देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस एल्की. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर ये कोई मॉलिक्यूल है सी एच सी एच थ्री सी एच टू बी आर, इसको हमने ट्रीट किया है वाटर के साथ और 60 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डबल बोन सी एच टू सी एच थ्री, इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी. सो इसके लिए हम अभी मैकेनिज्म देखेंगे कि इसके अंदर कैसे रिएक्शन प्रोसीड हुई है. सो मैकेनिज्म क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. सो दिस इज द कंपाउंड सी एच टू बी आर. फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, दैट विल बी द स्लो स्टेप एंड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. सो यहाँ से ब्रोमाइड है दैट विल रिलीज एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी कार्बोकैटायन. यहाँ पे इस कार्बन के पास में, दिस वन इज द अल्फा कार्बन, सो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन. यहाँ से एक पॉसिबिलिटी और है, अगर यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनने की भी पॉसिबिलिटीज है. सो उसको हम चेक करेंगे, अगर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है तो हम वहां पे क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट. तो जो हाइड्रोजन है यहाँ पे हमने उसको यहाँ शिफ्ट करा दिया, मतलब यहाँ पे हमने क्या कराई है, रीअरेंजमेंट कराई है. सो कार्बोकैटायन क्या बन गया, दिस वन विल बी द कार्बोकैटायन, इसमें कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा अल्फा एंड अल्फा, सो देर विल बी 9 अल्फा हाइड्रोजन. मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर एंड मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा एंड दिस विल रिलीज एंड देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस एल्गिन. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने एक बहुत ही सिंपल केस लिया था, उसमें हमने कोई भी रीअरेंजमेंट करके नहीं दिखाई थी, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या किया है, हमने रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो हमने रीअरेंजमेंट यहाँ पे प्रोसीड करके दिखाई है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
अगर ये कोई मॉलिक्यूल है, इसको वाटर और 60 डिग्री के साथ हमने, 60 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसको क्या किया है, ट्रीट किया है, सो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। और अगर इसी रिएजेंट को हमने वाटर के साथ में ट्रीट किया है एट 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये एक स्पेशल केस है। इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों में हमने वाटर यूज किया, बट टेम्परेचर डिफर किया है। सो यहाँ से हम क्या एनालिसिस करेंगे, कार्बोकेटाइन बनेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं कि ये कार्बोकेटाइन बना, देन जो हाइड्रोजन यहाँ पे थी वो क्या हो गई, यहाँ शिफ्ट हो गई हाइड्राइड। जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, जो हाइड्रोजन थी वो यहाँ शिफ्ट हो गई, सो यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब उसके बाद हमें चेक करना है कि यहाँ एलिमिनेशन होगा या फिर सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब SN1 होगा या फिर E1 होगा। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि वाटर है, हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। सो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है वो रिलीज कर जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस एल्केन एट हाई टेम्परेचर। और लो टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर है वो अटैक करेगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। सो हमें टेम्परेचर के बेसिस के ऊपर भी चेक करना है कि सब्स्टिट्यूशन होगा या फिर एलिमिनेशन होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज दिस इज द अल्काइल हैलाइड इसकी रिएक्शन करनी है CH3OH के ऊपर 80 डिग्री के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ, कितनी अल्फा हाइड्रोजन्स है, 3 यहाँ से 2 यहाँ से, सो देयर विल बी 5 अल्फा हाइड्रोजन, और रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। सो अल्फा हाइड्रोजन्स कितनी हो गई, 5। अब अगर हम चेक करें कि यहाँ पे एलिमिनेशन कराना है, सो एलिमिनेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन है एलिमिनेशन के लिए और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, सो उसको हम क्या देख सकते हैं, अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज कराया, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, प्लस अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज कराया, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो एल्कीन है उसकी स्टेबिलिटी भी हम अल्फा हाइड्रोजन से देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा अल्फा हाइड्रोजन डिफर है इसमें। कार्बोकेटाइन में जब हम अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। लेकिन जब एल्कीन का केस डिस्कस करते हैं तो उसमें हम क्या देखेंगे कि जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उससे जो नेक्स्ट कार्बन है दैट विल बी द अल्फा कार्बन। सो ये तो डबल बॉन्ड कार्बन हो गई और दिस वन इज द अल्फा कार्बन। सो यहाँ पे दिस वन डबल बॉन्ड कार्बन एंड दिस वन इज द अल्फा कार्बन। सो यहाँ पे कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन। सो एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज अकॉर्डिंग टू द सेट्जेफ रूल। सेट्जेफ रूल में भी यही होता है कि जो मोर सब्सटीट्यूट एल्कीन है दैट विल बी मोर स्टेबल का रीजन है। यहाँ से हम अल्फा हाइड्रोजन से इसको कैलकुलेट करके बताते हैं। नाउ तो इन दोनों स्ट्रक्चर में से जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन देगा, यहाँ से। अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, वो दो पॉसिबिलिटीज क्या है, एक एल्कीन है वो सिस बन सकती है, दिस वन इज द सिस एल्कीन एंड अनदर वन इज द ट्रांस एल्कीन। तो सिस और ट्रांस एल्कीन में ज्यादा स्टेबल कौन सी एल्कीन होती है, ट्रांस एल्कीन, क्योंकि जो ट्रांस एल्कीन है उसमें जो बल्की ग्रुप है वो क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं, ऑपोजिट साइड्स होते हैं, तो इस वजह से स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी। सो यहाँ पे हमारे पास में 3 प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए, 1, 2 एंड 3। सो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होगा दैट विल बी प्रोडक्ट 1।
एल्कीन बनी है, मोर स्टेबल एल्कीन बनी है, मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन बनी है, बट हमें ये भी चेक करना है कि वो सिस है ट्रांस है. सो ट्रांस एल्कीन विल बी मोर स्टेबल. सो दिस वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड टू और थ्री विल बी द माइनर प्रोडक्ट. इस प्रोडक्ट के लिए हम एक वर्ड और भी यूज करते हैं जो हमने ई टू रिएक्शन में यूज किया था, दैट इज होफमैन प्रोडक्ट. और ये क्या था हमारे पास में, सेड सेल प्रोडक्ट. सो होफमैन प्रोडक्ट और सेड सेल प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर हम इनको डिफरेंशिएट करके फर्दर रिएक्शंस को प्रोसीड करा के और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं.